नमस्कार, आप देख रहे हैं दिकंटा, आप महिम प्रफुल्ल। आज हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे, एक उस भारत की जिस भारत की कल्पना शायद हमारे प्रधान सेवक या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें हर तरफ तांडव है, भेदभाव है, अशांति है और गुंडई है, और दूसरी उस भारत की जहां पर बदहाली है, गुर्बत है, मजबूरी है, लाचारी है, ये तमाम चीजें मुंह बाए खड़ी है, लेकिन यह प्रधान सेवक को नजरों से बोझल है। कहानी उन चार बेटियों की है जो अपनी बूढ़ी माँ को कंधा दे रही है। ये उसी भारत की तस्वीर है जहां कहा जाता है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेगा देश, लेकिन जो हकीकत है बेटियों की, उसे गोदी मीडिया और सरकार अपनी नजरें बचाती दिखाई देती है। घटना मध्य प्रदेश की है, जहां देश की सबसे हितैषी पार्टी, जन कल्याणकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाने के लिए परिजन एम्बुलेंस बुलाते हैं। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो बुजुर्ग की चार बेटियां उन्हें खाट समेत उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आपको लगा होगा कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन इसके बाद भी उसकी मुसीबतें नहीं थमी, क्योंकि एम्बुलेंस के बाद बुजुर्ग के लिए शव वाहन भी नहीं मिला। मजबूरन चारों बेटियां बुजुर्ग मां की लाश खाट पर लाद कर 2 घंटे में 5 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंची। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। शव लेकर लौटते वक्त बेटियों को रास्ते में रायपुर के करचुलियाना थाना भी मिला, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सिस्टम तमाशाबीन बना देखता रहा। कुछ बाइक सवारों ने खाट पर शव ले जाते देख उनसे जानकारी ली, वीडियो बनाकर सिस्टम की असलियत को वायरल कर दिया। दावा है कि रायपुर करचुलियान CSC में कोई शव वाहन नहीं है। ऐसे में लोग जिला मुख्यालय के भरोसे रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा कि जिला मुख्यालय में सिर्फ रेड क्रॉस शव वाहन देता है, बाकी जगहों पे शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, मौत के बाद अपने स्तर पर लाश ले जानी पड़ती है। ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां चार बेटियां अपने मां को कंधा दे रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। अब जरा सोचिए, सरकारी सिस्टम को किस हाल पर छोड़ दिया गया है, सरकारी अस्पतालों को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया गया है, जबकि सरकारें दावा करती है कि सरकार तमाम सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मुहैया करा चुकी है। सरकार यहां दावा करती है कि समय समय पर अस्पतालों में मरीजों को एम्बुलेंस मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें आप देखे होंगे कि लोग खाट पर या गोदी में या ठेले पर शव को सरकारी अस्पताल से घर लेकर जाते हैं। यह भारत की आज की तस्वीर है। अब चलिए हम आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि यह वीडियो किस भारत की है। यह उसी भारत की है जिस भारत की कल्पना हमारे प्रधान सेवक या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी जहां पे भेदभाव हो, इंसानियत ना हो, मानवता ना हो, यानी सिर्फ धर्म का राज्य हो, यानी बजरंग दल के कार्यकर्ता बेखौफ गुंडाई करते नजर आए। यह वीडियो बेंगलुरु की है, बेंगलुरु में, जहां पे बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मेले में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वहां पे और भी जो दुकानदार हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुस्लिम दुकानदारों से कोई सामान नहीं खरीदे, आप मुस्लिम दुकानदारों से मीट नहीं खरीदे। यानी यह दूसरी वीडियो दूसरे तरह की भारत की है, जहां पे इंसानियत को मार दिया गया है और जहां पे सारी खामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर आप कश्मीर फाइल पे तमाम ऐसे मुद्दों पे बहस करते रहिए, आप हिंदू और मुसलमान बनते रहिए, तब तक सरकारी सिस्टमों को बदहाली के उस कगार पे लाकर छोड़ दिया जाएगा जहां से संभलना मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे सिस्टम है जो बदहाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माथे सरबुलंदी पे है, जिनके सर पे ताज चमक रहे हैं। RSS हो, बजरंग दल हो, या ऐसे तमाम संगठन हैं जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे कई सिस्टम हैं जिनको या तो बेच दिया जा रहा है या फिर उनको बर्बाद करके छोड़ दिया जा रहा है। वही हाल सरकारी अस्पतालों की है। भले ही भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक ठोक कर कहे कि देश में विकास हो रहा है या सरकारी तंत्र को हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें
और हकीकत कुछ अलग है। खैर, दो वीडियो आपके सामने रखने का मकसद यही है कि आप दोनों वीडियो को देखकर आप खुद सोचिए, समझिए और परखने की कोशिश कीजिए कि आपको कहां ले जाकर खड़ा किया गया है, आपको कौन सा भारत दिया जा रहा है जहां पे सरकारी सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है और एक सुनहरे ख्वाब आपके आंखों में उतारा जा रहा है। खैर, उस ख्वाब से बचिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।